वेलकम टू ऑल सभी को नमस्कार टुडे आई विल टॉक अबाउट ए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर टू बी फिल्ड अप बाय सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन सो लेट्स कंटिन्यू आइए देखते क्या डिटेल है फर्स्ट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल लोकल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप वन पोस्ट ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर इन सिक्किम स्टेट आयुष सर्विस ऑन टम्प्रेरी रेगुलर बेस टेम्परेरी रेगुलर बेस मीन्स लाइकली टू बी हैपन रेगुलर बेसिस ये रेगुलर बेस पे होने के इसके चांस रहेंगे एक बार आपको टम्प्रेरी के रूप में ज्वाइनिंग देंगे लेकिन इसको वैकेंसी को वो रेगुलर करेंगे इन दी लेवल टेंथ ऑफ दी पे मैट्रिक्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम तो ये आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में होगी थ्रो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यानी कि इसका टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा ऑल एप्लीकेशंस आर यूटेड थ्रो ऑनलाइन मोड ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर हाउ एवर ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ प्रोवेशन अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग से पे शैल बी गोन बाई नोटिफिकेशन ये देखिए नेक्स्ट देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसकी लेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास ट्वेल्थ पास फ्रॉम रिकोग्नाइज बोर्ड विद मिनिमम टू ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा टू ईयर्स डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी आपके पास ट्वेल्थ क्लास होनी चाहिए और दो साल का डिप्लोमा आना चाहिए योगा एंड नेचुरोपैथी में या फिर योगा में एज लिमिट क्या है एटीन ईयर टू फोर्टी ईयर्स अदर क्वालिफिकेशन शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दी स्टेट लैंग्वेज शुड बी कन्वर्सेंट विद द कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ़ सिक्किम तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए नेक्स्ट देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ आइदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द दिलीवेंट ऑर्डरस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट देखिए क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम कैटेगरी आपकी कौन सी है प्लस में आपका वहाँ का रेजिडेंस नेक्स्ट देखिए क्या है शूड हैव वैलिड लोकल इम्प्लॉयमेंट कार्ड आपका रोजगार कार्ड बना होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ द एम्प्लॉयड कैंडिडेट अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एच ओ डी से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा साथ में जब अप्लाई कर रहे हैं मैरिटल स्टेटस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इन केस ऑफ मैरिड वुमेन अगर कोई मैरिड वुमेन है तो वो अपने हस्बैंड से वो जो होता है वो एक परफॉर्मा उस पर साइन करवा के वहाँ पे डालना है उसको ऑनलाइन में जब आप अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज अनिजर्व्स एक पोस्ट है टोटल वो अन है सीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर अपेंडिक्स वन फॉर द डिटेल सीम एंड पैटर्न फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द दिक्कम पब्लिक सर्विस कमीशन तो वो आप सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनमें देखिए एट्थ पॉइंट दी कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम आवर वेबसाइट इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और बिफोर सिक्स सेवन टू ज़ीरो टू ज़ीरो यानी कि आपको छः जुलाई तक अप्लाई करना है बारह बजे तक एप्लीकेशन सबमिट आफ्टर सिक्स जुलाई विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई सॉफ्टवेयर तो सिक्स जुलाई के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अब ये नाइन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर पोस्ट एज पर क्राइटेरिया विल बी अपलोडेड इन वेबसाइट तो देखिए क्या होगा कि जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा उससे पहले क्या होगा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और जो रिटर्न एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए हैं उनकी एक लिस्ट डाली जाएगी वेबसाइट पे और अगर आपको उस ऑब्जेक्शन है उस लिस्ट में आपका मान लो उसमें नाम है लिस्ट में रिजेक्शन वाली में तो आप अपने सबमिट कर सकते हो ये देखिए दे सबमिट्स देयर ग्रेवेंसी अलोंग विद जस्टिफिकेशन तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ और उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन फ़ी डेढ़ सौ रुपये है वन फिफ्टी रुपीज़ एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे वेबसाइट से और आपको और क्या ध्यान रखना है ट्वेल्थ पॉइंट देखिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोज कैंडिडेट हु क्वालीफाइन द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कार्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ वाई वाइस यानी कि आपके इंटरव्यू से पहले आपकी डी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू से वाई वाई से पहले ही आपके डी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद उन जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको फिर वाई वा वाई, वाई और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नो टी ए डी ए कोई टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा तो ये थी मेन इन्फॉर्मेशन सो दिस वॉज इ टूडेज इन्फॉर्मेशन थैंक यू